अगर हेडलाइंस पर, आजम खान इन्होंने मुझ पर एसिड हल्ला करने की कोशिश की, जयप्रदा, महापालिका कचरा गाड़ी की धड़क में संगणक अभियंता की मौत, सीएम की मौजूदगी में चंडीगढ़ में भाजपा नेताओं की बैठक, संगठन मंत्री पवन राणा सहित कई दिग्गज नेता मौजूद। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। समाजवादी पक्ष के नेता आजम खान इनके विरोध में हजरतगंज पुलिस थाने में मानहानि प्रकरण एफआईआर दर्ज करते हुए प्रसिद्ध अभिनेत्री जयप्रदा इन्होंने आरोप किया, आजम खान इन्होंने मुझ पर एसिड हल्ला करने का प्रयत्न किया है। एक लिटरेचर फेस्टिवल में बोलते समय जयप्रदा इन्होंने यह आरोप किया। इन्होंने कहा कि मैं एक महीने आजम खान इनके साथ चुनाव लड़ रही थी, उस समय मुझ पर एसिड हल्ला हुआ, मेरी जान को धोखा है, तब एक भी नेता सामने नहीं आया, मुलायम सिंह इन्होंने एक फोन भी नहीं किया, मेरे फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने में आ रहे थे, मैंने कई बार आत्महत्या करने का विचार किया, मैं डिप्रेशन में थी, मैं रोती थी, किसी ने भी मेरा समर्थन नहीं किया। पुणे महानगर पालिका कचरा गाड़ी के धक्के से संगणक अभियंता की मृत्यु होने की घटना वड़गांव यहाँ NSG सोसाइटी के पास शुक्रवार को सुबह हुई। कचरा गाड़ी का पहला पहिया उसके ऊपर से गया जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम अंकित जितेंद्र शाह 23 मानाजी नगर मूल इचलकरंजी है। पुलिस कचरा गाड़ी चालक अशोक अन्ना जाधव इनको गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गुनाह दाखिल किया। चंडीगढ़ शिमला। चंडीगढ़ में सेक्टर 29 में भाजपा के दिग्गज नेताओं की अहम बैठक थोड़ी देर में होगी। बैठक में RSS के संगठन मंत्री पवन राणा सहित कई बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंच चुके हैं। बैठक में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सती, शिमला के सांसद वीरेंद्र कश्यप आदि पहुंचे हैं। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा सकती है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।